समयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। ईश्वरीय अधिष्ठान से ही प्रकृति जगत का सृजन करती है, प्रसव करती है। ईश्वर का अधिष्ठान है इसलिए जगत प्रकाशित हो रहा है, उस अधिष्ठान के बिना वह प्रकाशित हो नहीं हो सकता। और इसी हेतु से जगत भी परिवर्तते, जगत में जो सब कुछ चल रहा है व्यापार, वो सारा व्यापार इस एक हेतु से चल रहा है। किस हेतु से? ईश्वर के अधिष्ठान के कारण, ईश्वर की अध्यक्षता के कारण चल रहा है। वो हिल जाएगा तो सब गड़बड़। तो हेतु ढूंढते ढूंढते, कारण ढूंढते ढूंढते, सूक्ष्म 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 कारण तक चले जाएंगे तो सबसे अंत में जहां पर पहुंचेंगे वह हेतु है ईश्वर, ईश्वर की अध्यक्षता। मयाध्यक्षेण हेतु नानेन, इन दोनों बातों को एक साथ देखना पड़ेगा तब ये श्लोक समझ में आएगा। प्रकृति मेरे अधिष्ठान से ही, ईश्वरीय अधिष्ठान से ही जगत का सृजन करती है और उसी के प्राप्ति के लिए ये सब चल रहा है। इसलिए जब उपनिषद में ब्रह्म जिज्ञासा होती है तो वहां पर ये तीनों चारों प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रह्म क्या है ये पूछा जाता है, तो उसके साथ में प्रश्न पूछा जाता है कि इसके वही कारण है जिससे जन्म लेते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं, उसी के लिए सारे काम करते हैं। तो जब वो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो वो यही बोलता है। तैतरीय उपनिषद में वो भृगु का पुत्र वारुणी जाकर के कहता है किम तत् ब्रह्म, और उसको उत्तर मिलता है तपो ब्रह्मेति, तप करो। वो तप करके ढूंढ के लाता है तो पहले स्तर पे उसको पता चलता है, तप करता होगा बेचारा, तो तप करते समय व्रत किया होगा तो उसको पता चलता है कि ये सारा मेरा जो शरीर है ये शरीर तो अन्न से चल रहा है। दिन भर नहीं खाया तो शाम को आंखें बंद करने पर ईश्वर नहीं दिखता, लड्डू दिखते हैं, रोटी दिखती है। तो उसने कहा ये अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म को पाने के लिए मैंने व्रत किया तो ब्रह्म मुझे क्या मिला? अन्न मिला। तो उसने आकर के यही कहा अन्नम ब्रह्मे दिव्य जानात। और उसको क्यों है ये ब्रह्म? पिताजी पूछेंगे ना ये ब्रह्म है, गुरु पूछेगा कि ब्रह्म है कैसे सिद्ध करो भाई, तो हेंस प्रूव तक पहुंचना पड़ेगा ना, पूरा थ्योरम देना है उसको, डेरिवेशन देना है। तो उसने डेरिवेशन दिया अन्नम ब्रह्मे दिव्य जानात, क्यों? अन्नाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, इसी से तो जन्म होता है। अन्नेन जातानि जीवन्ति, जो पैदा होते हैं वो इसी से जीवित रहते। अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, उसी के लिए प्रयास करते हैं, उसी के पीछे भागते हैं, और सारा जो इतना बढ़िया विकास कर रखा है वो आखिर पेट भरने के लिए तो किया है। यंत्र बनाए, सारा सब कुछ सुविधाएं जुटाई, सारे प्रयोग किए, किसने किए? अभी संविशन्ति, इसी के लिए जी रहे, इसी के लिए सारा प्रपंच रच रहे, सारा सारा जो कुछ भी एक के बाद एक के बाद एक सारा कॉम्प्लेक्सिटी, अभी संविशन्ति है ना, ये सारा इतना जो कॉम्प्लेक्स संसार रचा है वो इसी के लिए रचा है। इसलिए अन्न ब्रह्म है, केवल मुझे भूख लगी इसने अन्न ब्रह्म है नहीं कहा, उसने उसका पूरे जगत के साथ उसको जोड़ा। मया दक्षेण प्रकृति येन जातानि जीवन्ति, इसी से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद इसी से जीवित रहते हैं। हेतु नानेन जगत भी परिवर्तते, इसलिए वो ब्रह्म है। और फिर पिता ने कहा ठीक है तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा तगम हो आच, लेकिन मैं यही कहूँगा तपो ब्रह्मेति, अभी भी कहूँगा तप ही ब्रह्म है, जा और रिसर्च कर और खोज और जाकर के पा। श्रोत्रियस्य चाका महतस्य, उपनिषदकार कहते क्या क्या महती है, देखो श्रोताओं सुनो। वो जाकर के फिर गया और फिर क्या, और फिर उसको अगली स्थिति मिली, फिर वो आकर के वही बोला, बाकी सारे मंत्र वही है, केवल एक शब्द बदल गया। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात प्राणाद्येव कल विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति तेन प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, अन्न की जगह प्राण, बाकी सब वही।
इसलिए प्राण ब्रह्म है। यही मन मनो ब्रह्मेति। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को सिद्ध करने का मतलब क्या है? ब्रह्म इस सारे जगत का अधिष्ठान है, आधार है, मूलभूत फाउंडेशन वही है। तो जिस समय मैं शरीर में हूं तब मुझे अन्न इस सारे जगत का आधार रहता है, तो अन्न ब्रह्म है। जब उससे सूक्ष्म स्तर पर जाता हूं, उस अन्न से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से चलता है ये समझता हूं, तो ऊर्जा के स्तर पर जाता हूं तो प्राण ब्रह्म है। फिर उस प्राण की गति को नियंत्रित करने वाले मन को समझता हूं तो मन ये सारे काम करता हुआ मुझे दिखाई देता है। ये सारे काम करने वाला ब्रह्म है, इसके बारे में शंका नहीं है। तो ये सारे प्राण जो करेगा वह होगा। करते करते फिर विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, और फिर करते करते आनंद पे पहुंचता है। पांचवी सीढ़ी में वो कहता है आनंदम ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है। फिर वही आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, ये सब बोलता है। और उसके बाद में पिता के पास नहीं जाता है, ये सब अपने आप में कहता है। और उसके बाद उपशिन्न निषदकार कहता है उसके बाद स अन्नमयम प्राणमयम मनोमयम विज्ञानमयम ब्रह्मम उपक्राम्यति। उस सबसे परे पहुंच जाता है जब आनंद पे पहुंच जाता है। तो वह ईश्वर स्वरूप, वह सच्चिदानंद घर स्वरूप मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये सारा जो जगत में चल रहा है उसको मत देख, उसके पीछे जो मैं बैठा हूं उसको देख, क्योंकि मेरे ही उसे हेतु से ही चल रहा है ये सारा। भूत मात्र उस हेतु से चलता है। और वो जब नहीं जानते अवजानंती माम मूढ़ा, अवजानंती का है नहीं जानते, नहीं का अवजानंती मतलब अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। अवजानंती अवज्ञानम के शब्द है, अवज्ञानम मतलब अवज्ञा करते हैं। ईश्वरीय इस सारे सृष्टि के पीछे जो ईश्वरीय तत्व है उस तत्व की अवहेलना करते हैं, निरादर करते हैं, उसका ध्यान नहीं देते, मानो वो है ही नहीं ऐसा समझ करके व्यवहार करते हैं। गलत काम करते समय यदि यह तत्व ध्यान में है कि सबके पीछे ईश्वर है, साक्षी गूढ़ा, वह जो वेद वाक्य है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सारे भूत मात्रों का वह अंतरात्मा, वह एको देव कर्माध्यक्षा, सारे कामों का अध्यक्ष है, सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा जिसका श्रुति वर्णन करती है, जो साक्षी है, चेता है, सतत जागृत है, यदि उसका ध्यान रहेगा तो सड़क पे पड़ा हुआ एक रुपया उठेगा क्या हाथ से? कोई भी काम, कोई भी गलत काम करते समय यदि ये भान रहा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, मेरे भी तो अंदर से देख रहा है। वो भोला राम की कहानी है ना कि गुरुजी ने दे दिया फल सबको और कहा जाके खा लो, और सारे लोग चेष्टा करते थे कि ये भोला राम पागल है, इसको समझ में नहीं आता, कोई अकल ही नहीं इसको, थोड़ी सी भी व्यवहारिकता नहीं है, चतुराई नहीं है इसके अंदर, व्यवहार कुशल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल के हिसाब से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो आजकल प्रैक्टिकल नहीं होता, वो इतने सज्जन हैं कि आज की दुनिया में नहीं चल सकते। ये हम आपस में बात करते समय किसी किसी के बारे में कहते हैं, और ऐसे मंडली में शायद ये सम्मानजनक रूप से कहा जाता होगा, लेकिन अनेक स्थानों पर इस बात को पागलपन कहा जाता है। क्या पागलपन है? व्यवहारिक ज्ञान नहीं। तो भोला को ऐसा कहते थे गुरुजी ने दे दिया सबको आम कि खा लो, केवल एक शर्त आई, ऐसी जगह जाकर के खाओ जहां कोई ना देखे। सबने खा लिया, शाम तक काम लेकर के भोला राम भटक रहा है। शाम को गुरुजी ने पूछा, अरे तुमको प्रसाद सुबह दिया था खाया नहीं? भोला राम ने कहा आपने शर्त जो डाली थी। तो सब लोग हंसने लगे जोर जोर से, तुमको इतने बड़े आश्रम में जंगल में जगह नहीं मिली जहां किसी ने नहीं देखा? भोला राम ने कहा मैंने बहुत प्रयास किए, पेड़ के पीछे जाकर के छुप गया, मूर्ति के पीछे जाकर के छुप गया, मंदिर के पीछे जाकर के छुप गया, और जंगल में चला गया, गुफा में घुस गया,
लेकिन मैं जहां जाऊं वहां पर मेरा अंतर्यामी तो देख ही रहा था ना, उससे कहां भागू। आपने कहा कोई ना देखे तब आम खाना। गुरुजी ये शिक्षा सबको देने के लिए कह रहे थे कि तुम जो जिस पर भोला करके हंसते हो वो साक्षी चेता सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा उसका साक्षात किया हुआ है, इसलिए वो भोला है, इसलिए वो बालवत है। अवजानंती, जानते नहीं, ऐसा नहीं, जान करके नहीं जानते, अवजानंती, इसलिए उनको राक्षस कहा है। अज्ञानियों को नहीं कहा, अज्ञानी तो दया के पात्र, वो अज्ञानी है, वो हम अज्ञानी नहीं है, अवज्ञानी। अवज्ञानी बड़ा भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा कितनी गालियां दी है, मूढ़ा मूर्ख है। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः, इसलिए मुझे भी देहस्थित मान लेते हैं, तनु के आश्रित मान लेते। कौन मानेगा तनु के आश्रित? जो खुद तनु आश्रित है, जो खुद शरीर के लिए जी रहा है, शरीर से ही संचालित है, शरीर की वासनाओं ऐशनाओं शरीर की कामनाओं की तृप्ति के लिए ही जीवन को सब कुछ मान के बैठा है, इससे परे कुछ भी नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, चार बात पूछता है। ये फिलॉसफी है कि देह ही सब कुछ है, इसलिए सारा देह का ही ध्यान देना है। तनु माश्रित जीवन दृष्टि होने के कारण भोगमय जीवन, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत की फिलॉसफी ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत से नहीं आएगी। तनु माश्रितम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, चार्वाक को समझना है तो तब समझ में आएगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यहां से शुरू किया उसने, जब तक जियो मस्ती से जियो। आज का हमारे समाज में यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ईएमआई क्रेडिट कार्ड चार्वाक तब पता करके गया। यावत जीवेत ऋणम कृत्वा सुखम, ऋणम कृत्वा सुखम जीवेत, नहीं है क्या करदा ले लो, इंस्टॉलमेंट में भर देना। तो दुकानदार कहता है आप प्राइस टैग देखते हो, प्राइस टैग देख करके आपके चेहरे पर उसको दिखाई देता है उसको बेचनी है, वो कहते नहीं इस वाली पे ईएमआई अवेलेबल है, आप ईएमआई दे सकते हो। ऋणम कृत्वा क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा, जब तक अभी ये शरीर है तब तक तो एंजॉय करना है, बाद में तो है ही नहीं कुछ। तनुमाश्रितम, तनुमाश्रितम मानुषिम मूढ़ा, और क्या कहा? तो इसलिए वो कहता है कि परम भाव में जानंतो, इस सब के कारण वो परम भाव को नहीं जानते। कौन नहीं जानते? भूत महेश्वरम, मैं भूत महेश्वर हूं, ईश्वर हूं, इन सारे भूत मात्र का परम ईश्वर मैं हूं। भूत और भाव एक ही भू भवती धातु से बने हुए दो शब्द, भूत यानी जो बन गया, भाव यानी उसके पीछे का, फिर वही कारण 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 परम भाव। भूत के पीछे का जो भाव है, भूत जो प्रकट हुआ वो भाव के कारण प्रकट हुआ, उसके प्रकट होने की जो मानसिक स्थिति है वह विज्ञान अवस्था जो है कॉन्शियस लेवल पे, जो आज विज्ञान इस बात को कह रहा है, आज जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में सृष्टि के प्रारंभ होने की जो कुछ भी थ्योरी चल रही है उसमें एक थ्योरी उनको समझ में नहीं आया, ऑब्जर्वर बायस नाम से एक थ्योरी थी, और जब सूक्ष्म 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 पार्टिकल पार्टिकल कण 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 कणों के कण कणों के कण पराकण पराकण करते गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर उस पार्टिकल के पार्टिकल, फिर उस पार्टिकल के पार्टिकल तोड़ते 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 चले गए, तो वो क्वार्ट्स और उस प्रोटॉन्स के स्तर पर आने के बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अपने नियम लागू नहीं होते,
गति और स्थिति के नियम यहाँ पर लागू नहीं होते। जो कल अपन ने रेलगाड़ी का उदाहरण लिया, हवाई जहाज का उदाहरण लिया, परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्योंकि अपरिवर्तनीय है। यह जो रिलेटिविटी का सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर अपना सारा चलता है काम। ये GPS उस आधार पर चलता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बताता है वो इतने लॉन्जिट्यूड पे, इतने लैटिट्यूड पे आप है, अक्षवृत्त रेखावृत्त बताता है और ये आपका स्थान है। क्यों बता सकता है? क्योंकि आप यदि 60 किलोमीटर की गति से जा रहे हैं, पूर्व की दिशा में जा रहे हैं, तो इतने मिनट बाद वहां पर पहुंचोगे निश्चित है। गति पता होगी तो स्थिति बता सकते हैं। पूर्व की स्थिति और गति ये दो पता है तो आज क्या स्थिति है ये बता सकते हैं। ये सामान्य फिजिक्स का नियम। पार्टिकल के लेवल पे ये गड़बड़ हो गई, गति बताओ तो स्थिति नहीं पता चलती, स्थिति बताओ तो गति पता नहीं चलती, नियम पालन नहीं कर रहा। अब वो ढूंढने लगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद, उसका कारण ढूंढने लगे, क्वांटम फिजिक्स उसके बाद आए, और वो कारण ढूंढते ढूंढते पहुंचे और खूब थ्योरीज निकली इस कारण को बताने के लिए। और उसमें अभी जो सर्वमान्य थ्योरी है उसके आगे भी एकाध आ गई, केओस थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी और बहुत सारी आ गई, लेकिन जो अभी तक जिसको साइंटिफिकली मान्यता मिली हुई थ्योरी है वो कहते हैं ऑब्जर्वर बायस। वो कहते हैं जो देखने वाला है उन पार्टिकल को वो गड़बड़ कर रहा है। वो कहता है हिल तो पार्टिकल हिलता है, अरे वो तो वहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कहां पर है वो पार्टिकल, तुम यहां पर हो, पर तुम्हारा मन उसको हिला रहा है। तो उसको लेकर के एक भारतीय वैज्ञानिक जो अमेरिका में काम कर रहा है, उन्होंने यह सिद्धांत निकाला कि हर क्षण हम सृष्टि को प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे भाव से सृष्टि, ये उपनिषद के आधार पर उन्होंने ये भाव और भूत यहां जो संबंध बताया, परम भाव जानंतो, उसको जान नहीं पाता है क्योंकि जो घटित हुआ उसी को देख रहा है, उस घटित होने के पीछे का भाव क्या है। तो वो कहते हैं, गोस्वामी उनका नाम है फिजिसिस्ट, वो कहते हैं यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। इस समय पर आप अपने मनस के द्वारा इस सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। इसको वो फिजिकली प्रूव कर, बड़ा उनका काफी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगॉन में उन्होंने रिसर्च किया, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, और वहां पर वो बड़े मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक है। लोग कहते हैं कि भारतीय है, इसलिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला उनको, कुछ भी कारण होंगे। फिजिसिस्ट का कारण ये है कि उनका थ्योरी प्रूव हुई, सब लोगों ने मान्यता दी, लेकिन तब तक और दो थ्योरी आ, तो इसलिए फिर वो देर हो गई नोबेल प्राइज देते देते, तब तक और थ्योरी आ। लेकिन ऐसा व्यक्ति, और उसने ये भाव और भूत की बात बताई, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि भूत महेश्वर मैं हूँ। क्यों नहीं जानते? क्योंकि परम भाव को नहीं जानते। भाव को नहीं जानोगे तो भूत को नहीं जानोगे। वस्तु के पीछे भाव है, वस्तु बनी कैसे, ये टेबल बना कैसे, ये ऐसी पेड़ी जिसके ऊपर रख करके किताब पढ़ी जा सकती है, कैसे बने पहली बार, ये कैसे बने, जिस पहले बढ़ई ने, जिस पहले सुतार ने इसकी रचना की होगी, कहाँ रचना की, मन में, कल्पना में, भाव आया तब भूत हुआ। भाव के बिना भूत नहीं हो सकता, इसलिए कहा ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि की। पुराण भी विज्ञान बताते हैं, बिना विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे हैं। पहले मानस सृष्टि होगी तभी प्रकट सृष्टि होगी, और ये तो सामान्य पदार्थ वाला भाव बताया मैंने। ऐसे पदार्थ वाले भाव से परे जाते जाते प्रत्ययकारी, और उससे परे जाते जाते सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसको यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया परम भावम। ईश्वर परम भाव है। इस सारे भूत के मतलब इस सारे प्रकट होने के पीछे का जो परम भाव है, जैसे सुतार का भाव इसका निर्माता है, पर उस सुतार के मन में उस कल्पना का निर्माता कौन, तो वो जो उसका चित्त है, मन बुद्धि चित्त है, उसका जो अंतकरण चतुष्ट है, फिर उस चित्त में जो कर्म हुआ उस कर्म का अध्यक्ष कौन। करते 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 पीछे जाओगे तो परम भाव पे पहुंचोगे, तो ईश्वर है। तो इसलिए
ये जितना कुछ भी दिख रहा है उसका परम भाव वो है अजानंतो, और वह न जानने के कारण मैं भूत महेश्वर हूँ ये जानते नहीं और मुझे तनुमाश्रित मान करके चलते हैं, और फिर शिशुपाल हो जाता उनका तनुमाश्रित मान करके चलते हैं। दुर्योधन कहता है, अट्टास करता है दुर्योधन सभा में, बंदी बना लो। तो कृष्ण मुस्कुरा के कहते तनुमाश्रितम समझ रहा है इसलिए कहता है बंदी बना लूंगा, जो सबको मुक्त करने वाला है उसको तू बंदी बनाएगा, जिसके कृपा मात्र से मुक्त होते हैं, जिसके जन्म होते ही सारे कारावास खुल गए, अद्भुत रूपक है वो। बंदी गृह में जन्म लिया और जन्म होते ही सारे बंधन टूट गए, सारे कारावास टूट गए, वासुदेव के बंधन टूट गए और वसुदेव के बंधन टूट गए, और सारे जो रक्षा करने वाले सारे राक्षस मूर्छित हो गए, जो इस गलत फहमी में थे कि हम रक्षा कर रहे हैं। मूर्छित हो गए, दरवाजों के ताले टूट गए और वृंदावन तक आनंदवन तक मार्ग खुल गया। जिसके जन्म से सारे बंधन टूट जाते उसको तू बांधेगा? तो फिर वो वंशी के स्वर आए और बड़ा अद्भुत वर्णन है महाभारत में, भागवत में और ज्यादा रोचक वर्णन है, लेकिन महाभारत में भी अद्भुत वर्णन है कि दूत करके गए हुए और जो घोषणा की जैसे दुर्योधन ने, वैसे जोर से विकराल अट्टहास करते हुए कृष्ण ने अपना विश्वरूप भयाक्रांत करने वाला रूप दिखाया। पकड़ो, लगाओ हाथ, किसे हाथ लगा रहे हो? तनुमाश्रितम, मुझे तनुमाश्रित समझ रखा है क्या? और क्यों समझ रखा है? तो उनका वर्णन करते जो ऐसे लोग हैं जो शरीर में बंधे हुए हैं, उनका पूरा वर्णन कर दिया, मोघाशा, उनकी आशाएं भी व्यर्थ है, मोघ आशा, मोघ कर्माणो, उनके मन में अभी ये सुतार ने रचना की उसकी जो बात की वो आशा है, जीवन सारा जो चल रहा है वो आशा के कारण चल रहा है। क्रिएटिव, जितना सृजनात्मक प्रोडक्टिव हमारा जीवन होगा, दिन भर में हम कुछ कुछ ना कुछ रचना करेंगे तो व्यर्थ नहीं होगा। पर ऐसे लोग जो ईश्वर का अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, ईश्वर की अवज्ञा करने के कारण उनकी क्रिएटिविटी भी व्यर्थ है, मोह आशा। उनके मन में जो रचना के प्रति जो आशा है ना रचना की इच्छा, कुछ निर्माण करने की, कुछ बनाने की, कुछ उत्पादन करने की, कुछ सृजन करने की जो इच्छा है उसको आशा कहते हैं। केवल प्राप्ति की आशा नहीं होती, प्राप्ति को रचना मान लिया, दूसरे का बनाया हुआ 20 रुपए देकर मैं खरीद लेता हूं और अपना बना लेता हूं और उसको मैं बड़ा गर्व करता हूं कि मैं सारी ये आर्थिक मंदी क्यों आती है, हर 10 साल बाद आर्थिक मंदी आती है आजकल, क्योंकि हमने उत्पादन से अधिक व्यापार को महत्व दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेडिंग हो गया, ट्रेडिंग महत्वपूर्ण है ही नहीं, उसमें कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं, उसमें उत्पत्ति नहीं है, उसमें सृजन नहीं है, मोघाशा हो गया सारा, इसलिए सारा जीवन ही मोघाशा हो गया। उनका कर्म भी व्यर्थ है, व्यर्थ कर्म है। वो कह विष्णु पुराण में श्लोक आता है जो हमारे भारतीय शिक्षण मंडल का बोध वाक्य, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त, कर्म वही है जो बंधन में नहीं बांधता, दैट इज ओनली कर्म, जो बांधे वो कर्म है ही नहीं। मैं कर रहा हूं इस बोध के साथ जो किया जाता है वो बांधता है, फिर वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, मैं कर रहा हूं ये भाव होगा तो वो बांधेगा, करने वाला मैं हूं ये बोध लेकर के जो कर्म करेंगे। तो वो कह रहा है पुराण वेत्ता, पुराण को कथन करने वाला प्रवचनकार कह रहा है कि तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म वही है जो नहीं बांधता, सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्त करती है, मुक्त नहीं करे तो विद्या नहीं। बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया,
बी किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, विद्या विमुक्त हुआ कि बंधा जाता कि विमुक्त हुआ? विमुक्त हुआ तो विद्या है, नहीं हुआ तो नहीं है। क्या है अगले लाइन में बताया, बाकी के कर्म क्या है? आया साया परम कर्म, बाकी के कर्म केवल व्यर्थ की मजदूरी है। आया साया, खूब प्रयास लगाया, खूब जोर लगाया। रामकृष्ण परमहंस कथा बताते कि रात को चोरों ने चोरी की और चोरी करके और वो भागने निकले, तो भागने निकले तो गंगा जी में नाव से भागना है, तो गंगा जी में नाव में गए, नाव में बैठे और रात भर जोर जोर से चप्पू चलाए कि जितना दूर जहाँ चोरी की वहाँ पकड़े जाएंगे, जितना दूर जा सके उतना दूर। अंधेरे में चप्पू चलाए जा रहे हैं, सुबह उठ करके देखा तो वही है जहाँ पर है, और सामने वो घर वाले उठ करके आए, पिटाई की और अंदर डाला। क्यों? रस्सी नहीं खोली थी, जो नौका रस्सी से बंधी हुई थी, रस्सी बिना खोले आया साया परम कर्म कर रहे हैं। सारे रात भर मेहनत की, पसीना निकल आया, कोलू का बैल चल रहा है 10 से 5, मोग कर्म मोगाशा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। ईश्वर का अनादर करने वाले का ज्ञान भी व्यर्थ है। क्योंकि उसी के बारे में चल रहा है, वो उसको ज्ञान हो गया, उसने पृथकता के अंदर के एकत्व को देख लिया, एकत्व की अनुभूति कर ली, उसको पता चल गया एकत्व है तो ज्ञान है। चाहे चाहे जिस जिस विद्या शाखा में चला जाए, जिस भी विषय में हो, एकत्व को खोजना ज्ञान है। एकत्व को खोज लिया और उसके बाद भी कहते हैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर का अनादर करता है, सारे जगत के पीछे जो ईश्वर है उसको समझ तो लिया ना, एकत्व को समझा तो, उसके बावजूद अवज्ञा करता है, तो उसका ज्ञान भी व्यर्थ है और उसका विचेतस, उसका चित्त विक्षिप्त है, स्थिर नहीं है, आजकल की भाषा में स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? विचेतस है। शंकराचार्य कहते हैं विचेतस यानी क्या, तो विचेतस पागल को भी कहते हैं, संस्कृत में पागल के लिए भी विचेतस शब्द आता है, जो सुसंगत नहीं है, जिसका विचार क्रमशः नहीं चलता, कहीं से कहीं भाग जाता है, तो ऐसा विक्षिप्त जो है उसको विचेतस कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विचेतस विवेकहीनता को कह रहे हैं, विवेक नहीं है ऐसा जो चेत चित्त है, ऐसी जो बुद्धि है, विवेकहीन बुद्धि है, वो विचेतस है। ये वर्णन किसका चल रहा है? अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो मूर्ख जो मेरी अवज्ञा करते हैं, वो सही अर्थों में पागल है, भोला राम पागल नहीं है। सरल व्यक्ति, निष्कपट व्यक्ति, अंदर बाहर एक रहने वाला व्यक्ति, अपने पड़ोस में, अपने कार्यक्षेत्र में हम उसको भोला, भोंदू, बावरा, पागल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम जो कैलकुलेशन लगा रहे हो वो पागल हो, जो गणना के परे है उसको बिना जाते गणित में लगे हुए हो तो पागल कौन है? विचेत शाह, इतना बड़ा शब्द प्रयोग कर लिया, विवेकहीन। विवेक क्या? सत और असत के बीच में भेद करने वाली बुद्धि को विवेक कहते हैं। क्या नश्वर है और क्या ईश्वर है? नश्वर के लिए ईश्वर का त्याग करता है वो पागल, वो उसका मोघ कर्म, मोघ आशा, मोघ कर्माणो, ये सारे उसके वर्णन कर दिए। नश्वर वस्तुओं के लिए बहुत बिजी हूँ, समय ही नहीं मिलता मंदिर जाने के लिए, काय में बिजी है भाई, पूजा करने के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए हमने हमारे जो कुलाचार के हमारे घर में मूर्तियाँ थी वो एक पंडित को दे दी। मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, अनेक घरों में क्या करें, आजकल समय ही नहीं मिलता, सुबह निकल जाते
तो फिर वो कुलाचार के देवता अपूजित रह जाते थे, तो सारे पितर नाराज हो जाएंगे। तो इसने वो पंडित जी को आउटसोर्स कर दिया, हमने पूजा आउटसोर्स कर दी है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, नश्वर में लगे ईश्वर के में समय नहीं। जिसमें ईश्वर बोध नहीं वो सब नश्वर। इसलिए हेतु नाने न परम भाव, वो जानोगे तो भूत का फिर भूत सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये भाव है। सृष्टि को देख करके उसके पीछे हंसते हुए ईश्वर को देखना, ये दैवी प्रकृति है। और ये जो नहीं कर पाता उसका मोह आशा, मोह कर्म, मोह ज्ञाना पागल है, विचेतस है, विवेकहीन है, विक्षिप्त बुद्धि का है, ऐसा व्यक्ति राक्षसी आसुरिं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता, ऐसी प्रकृति के मोह में, भ्रम में, हिप्नोटिज्म में, ऐसे प्रकृति के मोहिनी में श्रिता जीवन जीता है, रहता है सारे हमेशा के लिए। उसको विशेषण दिए, ये जो मोहिनी प्रकृति है, जो मोह लेती है, जो तुमको ईश्वर की ओर, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य की ओर जाने नहीं देती, जीवन के लक्ष्य की तरफ देखने नहीं देती, उसको उन्होंने दो नाम दिए, राक्षसिम आसुरी। एक जैसे नाम लगते, हम तो पर्यायवाची के रूप में भी कई बार प्रयोग कर लेते हैं, दैत्य भी प्रयोग कर लेते हैं, सबका अर्थ अलग अलग है। एक व्यक्ति तीनों हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है, दैत्य भी हो सकता है, लेकिन ये विशेषण है, पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का मतलब महाकाय, बहुत प्रचंड, वो अपनी शक्ति का प्रयोग अच्छे काम के लिए करेगा तो उसको भीम कहते हैं, बुरे काम के लिए करेगा तो वह दैत्य है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, दोनों का शब्द का अर्थ है विशाल, विराट, प्रचंड बल वाला, भीमकर्मा वृकोधरा, तो वही है, घटोत्कच भी वही है और बहुलाश्व भी वही है, दोनों दैत्य है। लेकिन दैत्य राक्षसी होगा जरूरी नहीं, इसलिए यहाँ दैत्य शब्द तो प्रयोग ही नहीं किया, यहाँ तो राक्षसिम आसुरिम। राक्षस कौन है? जो सबको अपने अधीन रखने के दृष्टि से वो किसी को मानता ही नहीं, वो वयम रक्षा महा, मैं रक्षा करूंगा, मैंने ठेका ले रखा है, सब कुछ मेरा है, ऐसा जो क्रूर कर्मा होता है, जिसके क्रूरता का कारण ये अहंकार होता है, वो राक्षस। असुर कौन है? जो तालमेल से नहीं चलता, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो दूसरे को ये नहीं कहता मैं तेरी रक्षा करूंगा, वो कहता है मैं तेरे को करने नहीं दूंगा काम, कर ले। वो सरकारी ऑफिस का जो क्लर्क होता है ना, या प्यून भी बाहर बैठा रहता है, आपको कोई काम करवाना, वो कहता है बड़ा बाबू से तेरी दोस्ती होगी, बॉस तेरा मित्र होगा, लेकिन मैं फच्चर फंसा दूंगा तो होगा नहीं तेरेगा। ये सुर को बेसुर करने वाली जो सारे प्रकृति में स्थित जो एक अत्यंत अद्भुत सामंजस्य समन्वय का सूत्र है, उसमें कड़ी करने वाला जो है वो असुर, वो कष्ट देने में आनंद आता है उसको। वो शक्तिशाली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका मजा इसमें आता है। उनका उनका काम होने नहीं दिया, मेरे पास जब तक था, मैं जब तक बैठा था, होने नहीं दिया काम, कर लो, खूब सर पटक लिया, मंत्री का फोन करवा लिया, विघ्न संतोषी हम लोग शब्द प्रयोग करते, उसको बनते हुए काम में खटाई डालने में मजा आता है, उसमें आनंद आता है, उसको बिगाड़ने में जिनको आनंद आता है वह असुर प्रवृत्ति, वो है।
जो सुर को गड़बड़ करती है। सुर यानी समन, सुर यानी हार्मनी, सुर यानी संगति। ईश्वरीय प्रकृति जो उत्पन्न हुई है वह उत्पन्न एक नियम से चलती है, यह असुर उसमें तो सारे जितने पर्यावरण के साथ में द्रोह करने वाले लोग हैं, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, सफाई को गड़बड़ करने वाले लोग हैं, असुर है। ये प्रवृत्ति असुर है। घर में पूरी सफाई बढ़िया झाड़ू लगाया और बाहर दरवाजे में जाकर के सड़क पे फेंक दिया, असुर। फ्लैट में जाओ तो नीचे से चलते समय ध्यान रखना पड़ता है ऊपर से नहीं आ जाए कुछ भड़ाक। जा रहे हो आप सड़क के ऊपर, खास करके हम अभी इधर अंदर वाले रास्ते से जाते हैं तो गणेश पे ठोकर के, यदि हम हमारे कार्यालय जा रहे हैं महल में, तो किसी बस के बाजू से आप जा रहे हो, ध्यान रखना पड़ता है कब पिचकारी आएगी पता नहीं। असुर ध्यान ही नहीं उसको, किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं रखता। सड़क पे कोई होगा, मैं थूक रहा हूं किसी के ऊपर गिरेगा, उसको कोई लेना देना नहीं, मैं ही है। इधर राक्षस क्रूर कर्मा हो सकता है, पशुवत मनुष्य होते हुए पशुवत जीवन जीने वाला, मनुष्य होते हुए पशुवत जीने वाला पशु नहीं है राक्षस। पशु पशु जैसा रह सकता है, मनुष्य पशु जैसा नहीं रह सकता। तो ऐसी विकृति राक्षसी, और जो विघ्न करता है वह आसुरी। राक्षसीम आसुरीम चैव, उसका आगे 16वें अध्याय में बढ़िया पूरा वर्णन किया आसुरी प्रवृत्ति का है, दैवी संपद और आसुरी लक्षण उसका ही वो 16वां अध्याय। ऐसी प्रकृति के मोह से मोहित होकर के मोहिनीम प्रकृति, ये जो है ये मोहिनी है, दैवी प्रकृति मोहिनी नहीं है, आकर्षण इसमें है। राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति में आकर्षण है, भक्का है, दैवी में सादगी है। सादगी थोड़ी आकर्षित करेगी, आकर्षित तो वो करे, वो बड़े बड़े नियॉन बोर्ड लगाएंगे, बड़े बड़े राक्षसी प्रवृत्ति। देवी प्रकृति नहीं, देवी प्रकृति चुपचाप बिचारी एक कोने में पड़ी रही। मोहिनी मोहित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है, खींच के ले जाने वाली है। दूसरे अध्याय में बताया था ना, जिस प्रकार वायु नौका को ले जाता है, वायु नाम विमान बसा, उस प्रकार मन को खींच करके ले जाती है गड्ढे की ओर। मोहिनी है, आकर्षित करने वाली है, चुंबकत्व है इसमें राक्षसी प्रवृत्ति में। ग्लैमर है, आज की भाषा में ग्लैमरस है राक्षसी। मोहिनी प्रकृति ग्लैमरस प्रकृति, मोहिनी के लिए सबसे सही शब्द है। ऐसी ये राक्षसी नासुरी, उसमें ही ये बेचारे व्यर्थ जीवन को बिता देते हैं, आकर्षित करते हैं। बचपन से लेकर आज तक किसी ने आपको गाली सिखाई क्या? कौन सी कक्षा में गाली पाठ्यक्रम में थी? बाकी सारे अच्छे शब्दों को याद करना पड़ा, किसी भी भाषा के हो, फिर वो मराठी के हो, हिंदी के हो, अंग्रेजी के हो। वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए शब्द और उनके अर्थ रटे हमने, अच्छे शब्द सुभाषित अच्छे 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 संस्कृत में हमको याद कराने पड़े, कविता याद करनी पड़ी। किसी ने गालियाँ नहीं सिखाई, घर में नहीं सिखाई, गुरुजी ने नहीं सिखाई, मास्टर जी ने नहीं सिखाई, स्कूल में रटाई नहीं, लेकिन एक बार गणना कर देना कितनी गालियाँ अपने को आती है। कहाँ से सीखे भाई? मोहिनी अपने आप आ जाता। अच्छी चीजें जबरदस्ती सिखानी पड़ती है, गलत चीजें तो मोहिनी राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, उसी में फंसे रहते हैं। और दूसरे जो होते महात्मानस्तु उदार मन के, माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, ऐसे जो उदार मन वाले महात्मा हैं, तोड़ बता दिया, शूद्रता आएगी क्ष, शूद्रता आएगी
स्वार्थ आएगा तो राक्षसी प्रवृत्ति। बहुत सिंपल सी बात बताते, महात्मानस्तु, जिनका मन बड़ा हो गया, महा महा मतलब बड़ा विस्तारित, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्, उदार मन के हो गए, अयम निज परो वेति, ये मेरा ये तेरा, अयम निज ये मेरा है, परो वेति ये तुम्हारा है, गणना लघु चेत साम, छोटे चित्त वालों के, शूद्र हृदय वालों की ये गणना है, राक्षसीम आसुरीम चैव। बच्चे को कौन सिखाता है, उसको पता है मेरा है, पकड़ लेता है, देता नहीं। बच्चे को कहो, छोटे बच्चे को, दो ढाई साल के बालक को कहो कि ये चप्पल मैं पहन लूँ, उसको दिख रहा है इतने बड़े पैर में मेरी चप्पल जाएगी नहीं, लेकिन आयम नहीं जब परोवेति सिखाया, हमने सिखाया, नहीं था उसके मन में। वो एकदम नया बालक होता है ना, दो दिन का तीन दिन का, उत्तर भारत में परंपरा है, अपने यहाँ भी करते हैं लेकिन उत्तर भारत में तो परंपरा है, उसको देखने जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसको दान दक्षिणा देंगे, और माँ को नहीं देंगे, पिताजी अंत तो मतलब उन्हीं के पास जाना है, लेकिन देना उसी को है। अब उसके हाथ में नोट डालते वो फेंक देता है, नहीं चाहिए उसको, उदार मन पैदा हुआ है, वो तो सच्चिदानंद घन स्वरूप ईश्वर है साक्षात, उसको जबरदस्ती पकड़ा पकड़ा के सिखाया जाता है, ये पकड़ बेटा, राक्षसी महासुरी चाहिए, मेरा 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 सिखा रहे हैं। फिर वो सौदेबाजी करता है माँ के साथ, बचपन से शुरू हो जाती है, जन्मदिन है मेरा, अगले महीने में जन्मदिन है, इतने दिन बच गए, क्या इस बार क्या मिलने वाला है, क्या देने वाले हो, क्या पाऊंगा मैं, वो दैवी प्रकृति नहीं आ सकती। महात्मानस्तु, क्या दोगे, उदारता है क्या, दूसरे के लिए कुछ करने का अनुसूय, वैसे शुरुआत है यह अध्याय, वह अनुसूया तभी आती है जब महात्मा होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सरल सी परिभाषा बता दी, कौन महात्मा कौन दुरात्मा, स्वामी विवेकानंद ने कहा जिसका हृदय दूसरे के लिए रोता है वह महात्मा है, अन्य सभी दुरात्मा। सरल सी परिभाषा बता दी, अपने अलावा अन्य के लिए मैं और मेरा का भाव जहां नहीं है ऐसी जगह पर क्या करते हो, वो दैवी प्रकृति के आश्रित तो वो लोग हैं जो महात्मा, जिनका मन बड़ा हो गया, भजन्ति अनन्य मनसो, बाकी किसी के भी बारे में मन में विचार लाए बिना भजन्ति, भजन भजन मतलब क्या, भजना मतलब क्या, यजन है, भजन है, पूजन है, क्या फर्क, तीनों अलग अलग है ना प्रक्रिया, तीनों उपासना है, भजन क्या है, भजन का अर्थ है सतत ध्यान रखना भाव के स्तर पर, याद रहना चाहिए, इसलिए मन में जो हो जाता है स्थित वो भजन है, एकात्म हो जाता है वो भक्त है, ईश्वर और मैं एक ही हूँ यह जिसके मन में एक हो जाता है वो भक्त है, और वही मन का जब भाव रहने लगता है तो वो भजन है, वो कीर्तन गाना और वो अभंग गाना वो भजन नहीं है, और कान में लगा के सुनना वो भजन नहीं है, कान में चल रहा है रामा रामा हरे रामा हरे कृष्णा, और मन में और बाकी सारी वासनाएं हैं, मेरा तेरा चल रहा है, तो भजन नहीं है। अनन्य मनसो भजति, बाकी कुछ मन में आता ही नहीं मेरे अलावा, भजन्ति अनन्य मनसो, ऐसे महात्मा ना माम पार्थ मुझे, हे पार्थ मुझे भजन्ति अनन्य मनसो दैवीं प्रकृति माश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होने के कारण मुझे अनन्य मनसा बचते, क्यों, ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम, मैं इन सारे भूत मात्र का आदि प्रारंभ मुझसे ही पैदा हुए, जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स संसार दिखाई दे रहा है
वो मुझसे ही पैदा हुए और मुझ कौन, मैं जो अव्यय अविनाशी कभी न क्षरण होने वाला कभी व्यय न होने वाला ऐसा जो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप है सच्चिदानंद घन ईश्वर है उसी वही सर्व भूतों का आदि है यह जानकर भजन करने से ये नहीं जानते, ये जानने से भजन करते, ज्ञात्वा भजन्ति। ये जान करके भजन करते हैं, ये जानना पड़ेगा तब भजन होगा। और जानेंगे कैसे, दैवी प्रकृति में आश्रिता जानेंगे, दैवी प्रकृति के आश्रित होंगे तो ये जानेंगे कि भूतादि अव्यय भूतादि है और जो अव्यय भूतादि है उस परमेश्वर का ही मुझे भजन करना है, ये ज्ञान हो जाएगा तो भजन होगा। भजन करना नहीं होता है, भजन होता है जब एकाकार हो जाते हैं तब भजन होता है, तब वो सुर मिल जाते हैं, इसलिए असुर नहीं है सुर है, वो ट्यून मिल जाती है ईश्वर के साथ तो फिर अंदर भजन होता है, बाहर तो केवल प्रकट होता है सुर। हाँ वह साधना बन जाती है, इसलिए ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम् ज्ञात्वा भजन्ति, तब ये ज्ञान होने के कारण अनन्य मनसो भजन्ति, और कुछ नहीं आता। अव्यभिचारिणी भक्ति यह शब्द प्रयोग आता है नारद भक्ति सूत्र, और किसी के बारे में विचार भी नहीं मन में आता, अनन्य मनस ऐसे। और उसकी शुरुआत कहां से की, महात्मानस तू, हमारे लिए तो सिंपल सा नियम बना दिया अपने, मन को बढ़ा तो भाई, मन को बड़ा करोगे तो दैवी प्रकृति माश्रिता हो जाओगे, मन को छोटा करोगे तो मोहिनी तो बैठी है हर क्षण बैठी है, मेरा तेरा करोगे तो पकड़ लेगी, तैयार है, पकड़ी हुई है अपने, अपने तो बाहर थोड़ी है दूर थोड़ी है, सिर पे बैठ के नाच रही है नृत्य कर रही है, और उसके नृत्य के वशीभूत हम भी नाच रहे हैं, लड़ रहे भिड़ रहे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जीवन को जीवन का रस ले रहे हैं, मोगाशा मोग करना मोग ज्ञाना, ऐसा भक्त सततम कीर्तयंतो माम, जब वो अंदर वो संगीत हो जाता है तब सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता, ऐसा दृढ़व्रती होकर के ये सारे उस भक्त के नित्य युक्त भक्त के नित्य युक्त भक्त के लक्षण कल देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सुखभाग् भवेत्।